बिस्किट लेने आया था, सोचा इधर आया हूँ तो डॉग्स के लिए, सोचो मार्केट में आके दो दस वाली बिस्किट लेके आ रहा हूँ। तो गाइज अभी बज रहे हैं 3:30 और मैं निकल रहा हूँ नानी के घर के लिए। वहाँ पे थोड़ी देर तो छोटे भाइयों के साथ क्रिकेट खेलूँगा, फिर थोड़ा बहुत हो सकेगा तो वर्कआउट भी कर लूँगा, फिर शाम को इनको रिटर्न भी होना है। तो और मेन बात यह है कि मेरा फ़ोन जो है वो कब बंद हो जाता है, भले 100% भी हो फिर भी वो बंद हो जाता है क्योंकि बैटरी इशू है उस वजह से। तो चलो निकलता हूँ मैं, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तब तो दिखा पाऊँगा, नहीं तो फिर पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर कैसे है। पर ट्राई करूँगा, अगर नानी फ़ोन लेके आए तो नानी के फ़ोन से ट्राई करूँगा, अगर फ़ोन मेरा चालू रहा तो। तो चलो निकलता हूँ मैं। तो गाइज अभी मैं अपने छोटे भाइयों के साथ आया हूँ यहाँ पे, क्या कहते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए। और अभी एक को तो मैंने कसरत करा दिया, दौड़ा उड़ा दिया, थोड़ा वर्कआउट वर्कआउट हो गया उसका, डेली कराऊंगा तो वो भी फिट हो जाएगा। और एक तो खुद दौड़ता रहता है, उसको फिट होने की क्या दिक्कत है। बॉलिंग देखिए, सुन ओ भाई साहब। तो गाइस मैं अभी बॉलिंग करके आ चुका हूँ और एक छक्का भी पिटा गया, क्योंकि बहुत टाइम बाद खेल रहा हूँ मैं, कॉलेज के चक्कर में खेल नहीं रहा, लेकिन इस बार सोच रहा हूँ कॉलेज के साइड से खेलने का ट्राई करूँगा। तो कॉलेज खुलने दो फिर देखते हैं क्या करना है। तो अगर कॉलेज के साइड से खेला तो उसका भी प्रॉपर ब्लॉग आएगी। तो चलो अभी इन सबका खेल देखते हैं कैसा खेल रहे हैं ये लोग। बिस्किट लेने आया था, सोचा इधर आया हूँ तो डॉग्स के लिए, सोचो मार्केट में आके दो दस वाली बिस्किट लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे मेरा शेरू और बाकी सबको सोचा कुछ खिला दूँ, वही देखो यहाँ पे खा रहा है और बाकी सारे। शेरू तो अपना बुढ़ा हो गया है, ये उनके सारे बच्चे। चलो तो फिर निकलते हैं। तो गाइज ये है रोहिणी सेक्टर 18 का मार्केट, और देख सकते हो कितना बड़ा मार्केट है, मतलब सब कुछ है। हैं कि बोले नहीं कि आप ठीक है बहुत ही नहीं नहीं बहुत ही। तो देख सकते हो गाइज ये हर चीज़ की शॉप है यहाँ पे। मदर डेयरी है जहाँ से हम पहले दूध लेते थे, बट बताया ही था कि फिर उसके बाद दूर पड़ जाता था इसलिए दूध लेना बंद कर दिया हमने, और बात वही पड़ती थी। लेकिन शायद नानी ने बताया था प्राइस वाइज का भी कुछ इशू होता था कि प्राइस हाई होता था यहाँ का, तो हमने फिर फुल क्रीमी लेना प्रेफर किया। तो हम मार्केट में घूम रहे हैं, आगे नानी चल रही हैं, और वेटिंग से हालत ख़राब हो रखी है। बाकी देखते हैं अभी क्या होता है, अभी तो एक्सप्लोर कर रहे हैं रोहिणी मार्केट को। बहुत रात के टाइम में, क्योंकि रात के टाइम में मैक्सिमम वहाँ रहता हूँ तो उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाता हूँ, तो यही सब कुछ है। बाकी आगे देखते हैं और क्या। तो गाइज मोमोज की शॉप आ चुकी है, तो ये हमारा सबसे बेस्ट, एक तरह से कहते हैं ना रोहिणी का सबसे बेस्ट अड्डा है, यहाँ पे हम लोग हर दम आके मोमोज खाते हैं, सबसे टेस्टी यम्मी मोमोज यहाँ पे रहते हैं। और ये तो हमारे पार्क का हिस्ट्री आपको बताया था मैंने ओल्ड व्लॉग में,
तो गाइस ये जो सामने प्राडो की शॉप देख रहे हो, यहाँ से मैंने लास्ट टू लास्ट टाइम दिवाली में शॉपिंग की थी अपने क्लॉथ्स की। बहुत ज़्यादा ही मतलब अधिक ही एक्सपेंसिव हो गई थी। और फिर उसके बाद आगे जो शॉप देख रहे हो वहीं से मैंने लास्ट टाइम केक लिया था अपने बर्थडे पे, मतलब इस बार के बर्थडे पे। और इतना बेकर्स क्योंकि यहाँ के केक। तो अब नानी को कुछ काम है, मतलब ग्रोसरी से रिलेटेड। नानी ने कुछ ऑर्डर किया था बट उसमें फ्री वाला जो सी पर आता है वो नहीं मिला था, तो वापस लेना तो लेने आई है नानी। चलो लेती नहीं है किसी की, मैं बात कर रहा था यही रह गया था। तो नानी को मैंने बोला कि ले लो, फ्री का है तो ले ही लो। और नानी कुछ सामान रह गया वो ले रही हैं, उसके बाद फिर नानी चल जाएंगे घर। तो यही कुछ था और बस रोहिणी मार्केट के लास्ट कोने पे है ये पीपी ऑप्टिकल्स, और जस्ट इसके सामने ऊपर की साइड देख सकते हो रोहिणी सेक्टर 18 का ट्रैक जा रहा है मेट्रो का, जो आगे जाके स्टेशन पे मतलब आगे स्टेशन है तो वही इसका ट्रैक है। इधर देख सकते हो यहाँ से कितना अलग ही मार्केट शुरू लगता है। बस यही कुछ था रोहिणी सेक्टर 18 का मार्केट, बेकरी से शुरू होता है और लास्ट टाइम ठेले वाले जो थे सब्जी वाले पे वहाँ पे ख़त्म होता है। तो चलो फिर अब घर चलते हैं। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ घर पे और अब है बड़े भाई का इंतज़ार, मतलब बड़े भैया आना रहेंगे, अब वो आएंगे फिर हम बैठ के क्या कहते हैं खाना खाएंगे फिर सो जाएंगे। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।